यदि रायपुर जाना तो सीधा जाना पड़ेगा होगा। यह है दोस्तों दाएं साइड फिलासपुर के लिए रास्ता, और हमको जाना है रायपुर की दिशा में, तो हमने ये रास्ता ले लिया। यहाँ भी ब्रेकर, सिबल ब्रेकर, यहाँ भी कुछ ओवरब्रिज का काम चल रहा है दोस्तों। पहले था उसको तोड़ दिया गया ऐसा लगता है, तो गाड़ी धीमा हो गया यहाँ पे। रोड को खा गया है आधा रोड। कुछ बाईपास होना है ऐसा लगता है कुछ चीज़ का, तो इस वजह से रोड को फिर से तोड़ दिया गया है, फिर से बनाया जा रहा है। गूगल हमें ये हरदी वाला रोड छोड़ने के लिए बोल रहा है। आपको बिल्हा जाने के लिए यहीं से ना? हाँ यहीं से। आपको हाईवे छोड़ने के लिए बोल दिया दोस्तों यहाँ से। ये रोड आपको बिल्हा ले जाएगा बोल रहा था, तो इतना अच्छा शानदार रोड को देख के मुझको एक अच्छा चीज़ आया ख्याल, ये गूगल अच्छा मारने के लिए तैयार रहता है। ये रोड कौन सा हमारा अच्छा है भाई, इसको हमारे रिकमेंडेशन रोड में जोड़ दिया है। वो जो पिछला रोड देख रहे थे वही रोड में घुसना है ऐसा तरीका है। ये जो हम ये हाईवे देख रहे थे रोड, उसी रोड में प्रवेश करने से देखिए यहाँ प्रेस करती है उसी रोड पर। उस हाईवे से वहां से जगह नहीं था तो यहाँ से काट के घुसा दिया। पता नहीं दोस्तों क्या गांव है, मुझको नहीं पता उमरिया क्या लिखा है। हमने हरदी रोड छोड़ दिया दोस्तों हाईवे। और ये कौन सा गांव है हमको नहीं पता। कहीं लिखा भी नहीं है। ग्राम उमरिया 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा दोस्तों ये सभी चतन है 33-51। हमको दाया साइड घूमना है बिल्हा के लिए। बिलासपुर चक्कर भाटा बिल्हा रोड लिखा है। अरे बाबरे रोड तो इतना शानदार है क्या करूं। आगे बैल है गाय है कुछ खड़ा है दिख नहीं रहा है मुझको, तो उसमें तो इतना हो रहा है। कुछ गड्ढे में घुसा, अंधेरा बहुत हो गया दोस्तों। और ये सब आप सामने वाले लोग दीपर नहीं दे रहे हैं। उमरिया ये है ग्राम उमरिया। ये है ग्राम उमरिया। अंधा छा चला रहे हैं, इतना हाई हाई बीम वाला गाड़ी चल रहा है कि हमको तो रोड ही नज़र नहीं आ रहा है। ये है ग्राम उमरिया दोस्तों, वहीं जस्ट निकल गए हैं। हम बिल्हा में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। बिल्हा में
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा, ये है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकास बिल्हा जिला बिलासपुर। ये आपका बिल्हा शहर, यहाँ से बिल्हा बाएं साइड 1 किलोमीटर और बिलासपुर हमारे दाएं साइड 18 किलोमीटर दूर, बराबर 1 घंटा। तो हमको जाना है बिल्हा, हम जाएंगे बाएं साइड। जाके फटाके में अटकेंगे और कुछ नहीं। यह रेलवे स्टेशन आपका बिल्हा, हमारे दाएं साइड बिल्हा का रेलवे स्टेशन है और हमको जाना है इसके समानांतर आगे, और आगे से फाटक पकड़ेंगे। किस्मत अच्छा रहा तो खुला मिला तो पार कर लेंगे, नहीं तो खड़े होंगे और क्या कर सकते हैं। तो सीधा ही जाना है दोस्तों, आगे फाटक के लिए सीधा रेलवे स्टेशन के समानांतर आगे आपका फाटक आ जाएगा। मालगाड़ी निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि फाटक बंद है। वो भाई साहब वहीं से घूम गया, क्यों पता नहीं।